बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल बर्गर्स बनाना सिखाऊंगी। व्यूअर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में और इसे एंजॉय कीजिएगा। मोस्टली बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत मज़े से इसको खाते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और सीखते हैं। रेसिपी के लिए आपको पहले ग्रिल पैन में थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है और इसमें आपने बर्गर्स को आपने ग्रिल कर देना है दोनों साइड से। आप इसको इस तरह से ग्रिल कर लें और उसके बाद फिर आपने इसमें, मेरे पास लेफ़्ट ओवर बीफ था तो मैंने इसको चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसको दोनों साइड से मैंने ग्रिल करना है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें और आप इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रिल करना है। फिर आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देनी है थोड़ी सी कलर के लिए। इसको डाल देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से पलट के दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रिल कर देना है। अच्छी तरह से ग्रिल करने के बाद आपने फिर एक प्लेट में अपने बर्गर्स ले लेने हैं, उस पर आपने दोनों साइड्स पे मेयोनीज ऐड कर देनी है और इसको इस तरह से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। मेयोनीज डालने के बाद फिर आपने इसमें सेरेल लीव ऐड कर देना है। आप इसमें अपने फेवरेट वेजीज ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहें। फिर मैंने सेरेल लीव के बाद इसमें बीफ ऐड किया है जो ग्रिल था, ग्रिल बीफ मैंने इसमें ऐड किया है। ग्रिल बीफ जब आप इसमें ऐड करें उसके बाद आपने इसमें क्यूकम्बर स्लाइस डाल देना है और इसमें अनियंस डाल देने हैं। उसके बाद आपने पेपरिका डाल देना है। इसमें होम मेड पिकल है ये, आप इसे मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। और इस तरह आपके बंस एक तो रेडी हो गए एक स्टाइल का। फिर आपने दूसरा जो है उस पर मेयोनीज ऐड कर देनी है। मेयोनीज सेम प्रोसेस आपने करना है। मेयोनीज के बाद आपने इसमें सैलेड लीव ऐड कर देना है। सैलेड लीव ऐड करने के बाद फिर आपने इसमें आपने क्यूकम्बर ऐड कर देना है, आपने इसमें अनियंस ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने इसमें एक चीज़ स्लाइस ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था इसलिए मैंने इसमें ट्राई किया है। बस बहुत से बच्चों को, बड़ों को चीज़ पसंद है, बहुत से को नहीं पसंद। ऑप्शनल है ये, एक आपको डिफरेंट वे में बताना है, एक चीज़ सिखानी है। फिर इसमें मैंने ग्रिल्ड मटन बीफ ऐड किया है। इसमें मैंने इमली की चटनी ऐड की है। स्पेशल जो रमज़ान रेसिपीज़ है मेरी, इसमें आप इसको सर्च करें मेरे चैनल पे व्यूअर्स, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, आपने इसे सर्च करना है और इसे ट्राई करना है। ये भी मैंने इसमें ऐड की है। ये ज़रा स्पाइसी हो गया, ये मेरा जो बर्गर था ये वाला ज़रा स्पाइसी हो गया। तो आपने इन सबको बना देना है और इसको खाना है, इंजॉय करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है व्यूअर्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बहुत सपोर्ट करना है व्यूअर्स, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।